कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी शब्द के अर्थ को समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखो, मैं बोर्ड में भी लिखती हूं, पर्वत है, पर्वत का अर्थ भूधर भी होता है, शय भी होता है, गिरि भी होता है, अचल भी होता है, पहाड़ भी लोग कहते हैं। कभी कभी आप लोग के शब्द अर्थ में दो अर्थ होता है तो आप बोलते हैं ना कि मिस एक लिखेंगे दो, ऐसे एक ही शब्द के अर्थ को समान बराबर जिसके अर्थ को उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो जैसे आनंद है, आनंद का है, खुशी भी है, प्रसन्नता भी है, हर्ष भी है, उल्लास भी होगा। आदमी है, आदमी का अर्थ क्या है? नर भी है, मनुष्य भी है, मानव भी है, मनुष्य भी है ना। जैसे सूर्य है, सूर्य का भानु भी है, रवि भी है, दिनकर, दिवाकर, चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, मयंक, राकेश। और मैं आप लोगों को जो अभ्यास करना है आज फोटो खींच के भेजूंगी, आप कॉपी में लिख लेना। इसके बाद हम लोग विलोम शब्द, विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टे अर्थ को, किसी भी शब्द के उल्टे अर्थ को विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अच्छा है, बुरा है, दिन का उल्टा रात है, सुबह का शाम, उसको क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो हम विलोम शब्द भी, धनी है उसको क्या कहेंगे? गरीब, निर्धन, उत्थान को पतन, उत्थान माने उन्नति, पतन माने गिरना, यानी उल्टा अर्थ, जिस शब्द के उल्टे अर्थ को विलोम शब्द कहते हैं, उसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, उसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। मैं आप लोगों को ये दोनों फोटो भेजूंगी, आप लोग अच्छे से, अच्छी तरह आप ऊपर लिखना व्याकरण। देखो जैसे मैंने हिंदी व्याकरण लिखा है, हिंदी व्याकरण पर्यायवाची शब्द, ये मत लिखना है, बोर्ड पर का नहीं लिखना है, जो मैं ऊपर व्याकरण लिख के, व्याकरण लेसन का नाम लिखना, व्याकरण लेसन का नाम नहीं लिखना, सॉरी। तो आपके पास बुक नहीं है ना, गलती हो गई, आपके पास बुक तो है नहीं, आप बस केवल ऊपर व्याकरण लिखना, व्याकरण पर्यायवाची शब्द, और आपके बुक से जो मैं फोटो भेजूंगी उसमें मैं भर भी दूंगी, आप उसको लिख के समझना।